अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कामरान अली और रॉ मोहम्मद शाहिद की तरफ से वेलकम टू जुगनू मैथ। जुगनू मैथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आप सीख सकते हैं 9th और 10th क्लास का मैथ। इलम की इस शम्मा को रोशन करने में हमारा साथ दीजिए। हमारी हौसला अफजाई के लिए हमें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जुगनू मैथ की तरफ से 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हम टॉपिक पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो लेक्चर नंबर 7, वीडियो लेक्चर नंबर 8 में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स ही पढ़ा, लेकिन वो अंडर एडिशन प्रॉपर्टीज पढ़ी और अंडर मल्टीप्लीकेशन पढ़ी। कौन कौन सी 5 प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी थी? नंबर 1 थी क्लोजर, फिर आपने उसके बाद पढ़ी कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड पे आपने पढ़ी थी एसोसिएटिव, और फोर्थ आपने पढ़ी थी आइडेंटिटी, और फिफ्थ आपने पढ़ी थी इनवर्स। अंडर एडिशन ये 5 प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी, वहां एडिटिव आइडेंटिटी थी और एडिटिव इनवर्स था। इसी तरह जरब के लिहाज से भी आपने 5 प्रॉपर्टीज रियल नंबर की पढ़ी, क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी यहां मल्टीप्लीकेटिव था अंडर मल्टीप्लीकेशन, और इनवर्स मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स था। लेकिन आज यानी हमने पीछे लेक्चर 7 में अंडर एडिशन 5 प्रॉपर्टी पढ़ी, तो पांचों की पांचों अंडर एडिशन थी। जब मल्टीप्लीकेशन की तरीके पढ़ी तो वो भी पांचों की पांचों मल्टीप्लीकेशन की थी, यानी 5 आपने जमा की पढ़ी, 5 आपने जरब की पढ़ी। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आज हम आप पढ़ने जा रहे हैं कि ऐसी प्रॉपर्टी जो दोनों ऑपरेशन के से मिक्स होंगी। मिक्स क्या है वो प्रॉपर्टी, यानी एडिशन और मल्टीप्लीकेशन दोनों ऑपरेशन के तहत हम वो प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। पहले आपने सिर्फ अंडर एडिशन या अंडर मल्टीप्लीकेशन, लेकिन आज आप प्रॉपर्टी जो पढ़ने जा रहे हैं रियल नंबर की, वो मिक्स होगी, इन दोनों ऑपरेशंस के को यूटिलाइज किया जाएगा। अब लिखा भी हुआ है, ये मैंने पहले से लिखा हुआ है, मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन। पहले तो इसका मतलब समझे, डिस्ट्रीब्यूटिव डिवीजन से निकली बच्चों, बांटना, तकसीम करना। तो मल्टीप्लीकेशन जो होगा ये साफ अपना बता रहा है कि भाई कि ये तकसीम करेगा किसको, एंड ओवर एडिशन, एडिशन के साथ मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूट होगा, मल्टीप्लीकेशन बांटेगा क्या, अंडर एडिशन। अंडर ओवर एडिशन का मतलब है कि एडिशन के साथ, जैसे मैं अपने पास से 3 नंबर लेता हूं, 3, 4, 5, 3 रियल नंबर स्टूडेंट्स हमने ले लिए, हम तीनों को मैं अपने पास से लिखता हूं, इन दो को स्टूडेंट मैं ऐड कर लेता हूं क्योंकि ओवर एडिशन की बात की है, और 3 जो है उसे बाहर रख लेता हूं और सिंबल लगा देता हूं मल्टीप्लाई, क्योंकि मल्टीप्लाई, क्योंकि स्टूडेंट हमने कहा है कि मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। अब इधर देखें, बाहर मल्टीप्लीकेशन का सिंबल है, अब ये सिंबल जो इस 3 को स्टूडेंट बांट देगा किसके साथ, 4 के साथ भी, और ये किसके साथ बांटेगा, 5 के साथ, इसलिए इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओवर एडिशन का मतलब आप अंडर एडिशन डिस्कस करने जा रहे हैं। अब देखिएगा, मैं यहीं बता देता हूं, 3 ये मल्टीप्लीकेशन सिंबल जो है ये कहता है कि मैं इस 3 को बांटूंगा 4 के साथ भी, फिर दरमियान में एडिशन आ जाएगी, फिर बांटूंगा मैं 5 के साथ भी। देखिएगा 3 × 4 ये बांट दिया स्टूडेंट्स। उसके बाद देखें स्टूडेंट, देखिएगा दरमियान में क्या प्लस का साइन है, प्लस का साइन। अब ये मल्टीप्लीकेशन कहता है इस 3 को मैं डिवाइड बांटूंगा किसके साथ जाके, 5 के साथ, तो 5 के साथ इसने बांट दिया। स्टूडेंट्स एक बात आपको डेली लाइफ में एग्जांपल दे देता हूं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की। जैसे घर में आप देखते हैं कि वालदा मॉर्निंग में आपको ब्रेकफास्ट बना के दे रही होती है, तो क्या करती है,
ये वालदा है समझ लें, वो क्या करती है, रोटी बनाती है तो एक रोटी पकाएगी तो पहले एक बेटे को दे देगी, फिर दूसरी रोटी पकाएगी, फिर वो दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। इसी तरह क्लास में टीचर आपको स्टूडेंट्स टॉफी डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो देखें वो क्या करता है कि वो टॉफियां लेता है, तीन टॉफियां वो एक स्टूडेंट को बांट देता है, फिर तीन टॉफियां लेकर दूसरे स्टूडेंट को बांट देता है। तो ये कंसेप्ट, ये समझ इस एग्जाम्पल से मैंने स्टूडेंट आपको दी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में ये करने से फायदा क्या होगा? अब आप कहेंगे सर कि इसको इस तरह करने से फायदा क्या है? इस तरह करने से फायदा ये कि इक्वल, यानी ये अमल एक जैसा है। अगर अगर एक स्टूडेंट क्या करता है, दो इन दोनों स्टूडेंट्स को, कहने का मतलब ये इन दोनों नंबरों को ऐड कर ले फिर मल्टीप्लाई कर दे, और इधर क्या पहले मल्टीप्लाई है फिर एडिशन है। देखिएगा मैं यहां पे करता हूं इस अमल को, तो 3 × बॉड मास के मुताबिक पहले ब्रैकेट हल करते हैं, 4 + 5 = 9, तो स्टूडेंट ये 9 आ गया, ब्रैकेट रिमूव होगी जब अंदर ऑपरेशन खत्म हो जाए, तो फिर ब्रैकेट नहीं लिखते हम। 3, 4, 5 को ऐड किया 9 हो गया, 3 × 9 = मल्टीप्लीकेशन है स्टूडेंट, तो क्या 3 × 9 = 27। अब हमने जो डिस्ट्रीब्यूट किया है राइट साइड पे, हम देखते हैं इस साइड पे अगर देखते हैं कि ये क्या कह रहा है, तो इसमें देखिएगा आप देखेंगे बॉड मास के मुताबिक ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे, 4 × 3 = क्या हो गया 12, ये प्लस सिंबल वैसे वैसे इस बॉड मास में भी ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे, 5 × 3 = 15, 15 और 12 को ऐड करें स्टूडेंट, 5 × 2 = 7 और 1 + 1 = 2 = 27। तो आपने देखा स्टूडेंट्स की डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 27 आया, राइट हैंड साइड का आंसर भी 27 आया। इट मींस हम डिस्ट्रीब्यूट लॉ से क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि आपके पास दो नंबर अगर ऐड हो रहे हों ब्रैकेट में और बाहर एक ऑपरेशन पड़ा हुआ है, तो वो ऑपरेशन डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों नंबरों के साथ। अंडर एडिशन है तो अंडर एडिशन, और अगर अंदर स्टूडेंट अगर सब्ट्रैक्शन है, जैसे इसी तरह मैं सब्ट्रैक्शन की बात करता हूं इस लॉ की, तो ये देखिएगा ये सब्ट्रैक्ट होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा अंडर ओवर सब्ट्रैक्शन। 3 इस मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन के तहत, ये ऑपरेशन कहता है मल्टीप्लाई सिंबल, ये 3 को डिस्ट्रीब्यूट करेगा 4 के साथ, उसके बाद फिर 5 के साथ, दरमियान में माइनस है तो माइनस, 3 × 5। इससे भी आप देखिएगा आंसर, देखें क्या आता है। पहले आप क्या करेंगे, बॉड मास के मुताबिक ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट यहां आएगा -1, तो स्टूडेंट इसको इससे मल्टीपल करेंगे, 3 × 1 = 3, इसका सिंबल प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ये आया। इसमें आपने पहले ब्रैकेट सॉल्व की, इधर भी राइट हैंड साइड पे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 4 × 3 = 12, 5 × 3 = 15 और माइनस सेंटर में, प्लस का 12 माइनस का 15, बड़ी अमाउंट 15 है, उसका सिंबल आएगा माइनस, तो स्टूडेंट 12 में से 15 सब्ट्रैक्ट करें तो 3। तो स्टूडेंट ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मैंने डिस्कस किया ओवर सब्ट्रैक्शन, और ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मैंने डिस्कस किया ओवर एडिशन। तो इसको जनरल वे में दोनों को कैसे लिखेंगे, यहां लिखा हुआ लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब है स्टूडेंट कि मैं लेफ्ट साइड से डिस्कस कर रहा हूं, लेफ्ट साइड से डिस्ट्रीब्यूशन की है, ओवर एडिशन भी ओवर मल्टीप्लीकेशन। अब इसको यहां पे जनरल आप कैसे लिखेंगे, फॉर ईच, फॉर ऑल या फॉर ईच का सिंबल यूज करेंगे, तीन नंबरों पे अप्लाई होती है, जैसे एसोसिएटिव में 3 नंबरों पे अप्लाई होती है, इस तरह इसमें भी 3 नंबरों पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ 3 नंबर्स पे एप्लीकेबल है। तो स्टूडेंट इसमें हम क्या करेंगे, बी और सी को हम ऐड कर देते हैं, और ये बाहर जो नंबर है वो ए, जहां सिंबल ना हो मल्टीप्लीकेशन का ही डिस्कस कंसिडर किया जाता है स्टूडेंट। अब ये डिस्ट्रीब्यूट होगा किससे, बी सी के साथ भी, मल्टीप्लीकेशन का सिंबल है जो कि आपको नजर नहीं आ रहा, जैसे यहां पर क्रॉस लगाया हुआ, यहां मैंने नहीं लगाया हुआ, लेकिन जनरल डिस्कशन है। अब स्टूडेंट ये जाके सी से भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, ए इंटू सी। सेम इसी तरह आप माइनस के लिहाज से, सब्ट्रैक्शन के लिहाज से भी डिस्कस कर सकते हैं। यहां लिखेंगे फॉर ईच ए बी और सी, 3 रियल नंबर ले लिए और बी और सी को आपने सब्ट्रैक्ट किया स्टूडेंट, और ए डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो ए डिस्ट्रीब्यूट होगा बी के साथ भी और ए डिस्ट्रीब्यूट होगा सी के साथ भी, दरमियान में माइनस है तो माइनस का साइन आएगा। तो स्टूडेंट ये मैंने लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ डिस्कस किया। दोबारा सुने क्या, कि आपके पास 3 नंबर हैं, 3 नंबरों पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ डिस्ट्रीब्यूट होता है। बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट क्या हो रहा है, एक सिंबल जो है जैसे मल्टीप्लीकेशन, ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है किस पे, एडिशन के साथ। जैसे यहां पर मैंने बताया ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है 4 के साथ, इसने इस सिंबल ने 3 को डिस्ट्रीब्यूट किया 4 के साथ, इस सिंबल ने 3 को डिस्ट्रीब्यूट किया 5 के साथ, दरमियान में एडिशन है तो एडिशन, इसलिए ओवर एडिशन लिखा हुआ है। अगर ओवर सब्ट्रैक्शन है तो ओवर सब्ट्रैक्शन।
तो स्टूडेंट ये मैंने एक प्रॉपर्टी ओवर एडिशन ओवर सब्ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की डिस्कस की। तो डेली लाइफ से मैंने एग्जांपल क्या दी कि जैसे डेली लाइफ घर में आपके फादर हैं, बहन भाइयों में चीजें बांट रहे हैं, तो वो बांट रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव, बांट रहे हैं वो कहते हैं। तो यहां हमने बांटा है, क्या बांटा, ये सिंबल जो सा ये कहता है मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूं, ये समझो फादर है, ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है अपने चाइल्ड में। अब लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बाद अब मैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ डिस्कस करता हूं। इन्हीं नंबरों को हम राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या, पहले हमने 4 और 5 को ऐड किया था, अब स्टूडेंट हम पहले तीन दो नंबरों को तीन और या ऐड हम उन्हीं को कर लेते हैं, 4 और 5 को ऐड कर लें, लेकिन अब डिस्ट्रीब्यूट 3 जो होगा वो किस साइड से होगा, राइट साइड से होगा, राइट साइड यानी पोस्ट, बाद में वो प्री था उसमें आपने ऐसे किया था स्टूडेंट, देखिएगा मैं दोबारा लिख देता हूं, उसमें आपने क्या किया था, इन दो को ऐड करके ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ था किधर से, प्री, प्री का मतलब स्टार्ट में, स्टार्ट से, अब ये पोस्ट है यानी बाद में, राइट साइड से। तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसलिए बोलते हैं कि राइट साइड से डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब ये 3 ये सिंबल क्रॉस यानी मल्टीप्लीकेशन कहती है कि मैं डिस्ट्रीब्यूट होंगी 5 से भी और मैं डिस्ट्रीब्यूट होंगी 4 से भी, इधर से राइट साइड से तो राइट साइड से, तो पहले 4 से डिस्ट्रीब्यूट होगा, 4 क्रॉस 3 इधर देखें, और दरम्यान में क्या एडिशन, एडिशन का साइन क्योंकि ओवर एडिशन आप बात कर रहे हैं, इसी तरह 3 डिस्ट्रीब्यूट होगा किससे, 5 से, तो 5 क्रॉस 3। एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट, जो जैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वैसे ही लिखिएगा, यानी 3 4 से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो 4 क्रॉस 3 पहले ही लिखिएगा, ये ना हो कि आप इसको इधर और इसको इधर करें, ये नहीं कीजिएगा। हालांकि एडिशन कम्यूटेटिव है, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आपको बता रहा हूं कि जो वे है उस वे से आप चलिएगा। इसी तरह सब्ट्रैक्शन में भी आप कर सकते हैं, जैसे 3 ये 2 नंबर थे, इन दोनों को ही आप सब्ट्रैक्ट करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है 3 किससे, राइट साइड से, इसलिए राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ डिस्कस कर रहा हूं। ये जाके डिस्ट्रीब्यूट होगा 4 से, 4 क्रॉस 3, और ये जाके डिस्ट्रीब्यूट होगा 5 से, तो 5 क्रॉस 3। तो दरमियान में सिंबल कौन सा, माइनस, यानी इन शॉर्ट कहना चाह रहे हैं स्टूडेंट, दोबारा वो सुनिएगा, ये सारे का सारा, ये सारे का सारा डिस्ट्रीब्यूट होगा इससे, ये सारे का सारा डिस्ट्रीब्यूट होगा इससे विद सिंबल। इधर देखें, ये 3 क्रॉस, देखें सारे का सारा डिस्ट्रीब्यूट हुआ 4 से, ये सारे का सारा डिस्ट्रीब्यूट हुआ 5 से, तो इसीलिए इसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। लेकिन अब ये राइट साइड से है तो स्टूडेंट, तो राइट साइड से तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलेंगे आप, तो देखिएगा इसका आप आंसर देखें वही आएगा, कोई इशू नहीं होगा दोनों साइड से। 4 5 9 ऐड किया क्रॉस, और इसमें हम कह रहे हैं कि पहले आप ऐड कर लें फिर मल्टीप्लाई कर लें, तो ऐड किया 9 और मल्टीप्लाई 3 से, तो 9 3 27। इस साइड पे क्या, राइट हैंड साइड पर क्या रू है प्रोसीजर के, पहले बॉर्ड मॉस में ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 4 3 12, 5 3 15 और दरम्यान में एडिशन, तो इन्हें ऐड करें 27। तो स्टूडेंट ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया ओवर एडिशन। इसी तरह सब्ट्रैक्शन में भी डिस्कस कर सकते हैं, तो स्टूडेंट इस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कीजिएगा, 4 और 5, माइनस का 1 आया क्योंकि बड़ी अमाउंट माइनस की है और 5 है वो, और क्रॉस यानी मल्टीप्लाई बाय 3, तो -3 1 -3, बिल्कुल सेम उसी तरीके से, बस ये राइट साइड से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो 4 क्रॉस 3, 4 3 12, 5 3 15 और 12 -15, तो -3। तो स्टूडेंट एक चीज आपने नोट की है कि अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने वेरीफाई भी कर लिया कि आया कि इस तरह लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड आंसर सेम आ रहा है, तो अब इसे मैं जनरल वे से लिखने के बाद फिर मैं शॉर्टकट इसका कंक्लूजन आपको, कंक्लूजन यानी रिजल्ट बताता हूं कि कहना क्या चाह रहे हैं। तो स्टूडेंट इधर देखिएगा, ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है B+C, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये 2 रियल नंबर ऐड हो रहे हैं और A डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है राइट साइड से, तो अब ये डिस्ट्रीब्यूट होगा किससे, बी से भी, और ये डिस्ट्रीब्यूट होगा सी से भी। जहां सिंबल ना हो उसमें अंडरस्टूड है स्टूडेंट के हम प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन का सिंबल काउंट होते हैं, दरमियान में एडिशन है तो एडिशन, इधर देखें इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लीकेशन का साइन है, इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लीकेशन का साइन है। इसी तरह स्टूडेंट यहां पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर सब्ट्रैक्शन। तो स्टूडेंट देखिए डिस्ट्रीब्यूट होगा ए इंटू बी से, फिर ये ए इंटू सी से, दरमियान में माइनस है तो माइनस, तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ राइट साइड से। तो स्टूडेंट पहली बात ये देख लें कि आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मल्टीप्लीकेशन डिस्कस किया ओवर एडिशन, तो देखें उसमें लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी था और उसमें राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी था। लेफ्ट में आप देखें लेफ्ट साइड से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, राइट से आप राइट साइड से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आपने कहा कि ओवर सब्ट्रैक्शन, तो उसमें देखें ओवर सब्ट्रैक्शन में लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी आया और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी आया।
लेफ्ट साइड से इधर देखेंगे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और इधर ये राइट साइड से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो स्टूडेंट अब कंक्लूजन ये है कि आपने क्या पढ़ा कि आपके पास कोई भी नंबर अगर 3 आ जाए तो उन पे आपको कहा जाए कि भाई मल्टीप्लीकेशन ये जो सिंबल है ये ऑपरेशन जो है यानी अर्थमेटिक ऑपरेशन इसको डिस्ट्रीब्यूट करें। तो ओवर एडिशन तो आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 2 ओवर एडिशन यानी ये प्रॉपर्टी कौन सी है रियल की, मिक्स है मल्टीप्लीकेशन और एडिशन। इधर देखें मल्टीप्लीकेशन और एडिशन मिक्स आ गई। आपने वीडियो लेक्चर नंबर 7 में सारी प्रॉपर्टीज रियल की अंडर एडिशन 5 पढ़ी, 5 प्रॉपर्टीज। फिर आपने वीडियो लेक्चर नंबर 8 में उसमें 5 प्रॉपर्टीज पढ़ी सारी की सारी मल्टीप्लाई की मल्टीप्लीकेशन के थ्रू। लेकिन आज आप जो पढ़ रहे हैं ये मिक्स है मल्टीप्लीकेशन और एडिशन, दोनों ऑपरेशन मिक्स हैं। इसमें आपने क्या पढ़ा कि अगर आप कोई एक नंबर, दो नंबर ऐड हो रहे हों और एक नंबर बाहर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की आपको परमिशन है रियल नंबर में। आपको जरूरत है कि भाई मैं अंदर इसे नंबर को ले जाना डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूं, आपको अलाउ है, कोई हर्ज नहीं है, आप कर सकते हैं, आपकी जरूरत आप अपनी पूरी कर सकते हैं, आप इस साइड को ये साइड लिख सकते हैं। इसी तरह राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में भी आपके पास दो नंबर अगर ऐड हो रहे हैं और राइट साइड से कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो स्टूडेंट आप क्या कर सकते हैं, आपको अलाउ है कि आप डिस्ट्रीब्यूट करके राइट साइड आपको अगर जरूरत है तो आप इसकी जगह ये लिख सकते हैं। अभी स्टूडेंट आप छोटी क्लास में आपको इतना आइडिया नहीं होगा, बड़ी क्लास में जैसे आप आगे जाएंगे आपको वाकई इनकी अफादियत पता चलेगी कि इन रूल्स का क्या यूज है। कि बाज़ुकात क्या होता है क्वेश्चन में सॉल्व करते हुए हमें ये साइड नहीं चाहिए होती, हमें ये साइड चाहिए होती, इसकी जगह हम ये लिख पाते हैं, हमें अलाउ है। वो मैंने बता दिया था कि लेफ्ट साइड का आंसर भी वही होता है, राइट साइड का आंसर भी वही होता है। हमें ये अमल करने की इजाजत है रियल नंबर में कि कोई नंबर बाहर है तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। इसी तरह सेम सब्ट्रैक्शन में भी आप लेफ्ट साइड से भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, राइट साइड से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट उम्मीद है आज आपको प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स की, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दोनों समझ आए होंगे, ओवर एडिशन भी ओवर मल्टीप्लिकेशन भी। जाते जाते फिर समझ लें कि आपने मल्टीप्लीकेशन को डिस्ट्रीब्यूट करना सीखा ओवर एडिशन, मल्टीप्लीकेशन को डिस्ट्रीब्यूट करना सीखा ओवर सब्ट्रैक्शन। ये तो नंबर है स्टूडेंट, हम ऑपरेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। स्टूडेंट्स आपको ना समझ आई हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप हमारे वीडियो लेक्चर अगर इस लेक्चर को देख रहे हैं डायरेक्ट तो स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे तरतीब से लेक्चर्स देखें। उम्मीद है ये वाला लेक्चर नंबर 9 अच्छा से समझ आएगा। जो कोई प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट करें। अल्लाह ताला बच्चों आपका हामी और नासिर हो।